हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह है। जी हाँ, आए दिन हम सोशल मीडिया पर कुछ घरेलू हिंसा के वीडियोस देखते रहते हैं, जिसमें ज्यादातर रेप मामले माँ किसी भी भूमिका में हम लड़की को ले उसके साथ बाहरी तत्वों से अपने ही परेशान करते हैं। घर में कोई न कोई अपना ही मिलता है। बहू के साथ मारपीट हो या दहेज का मामला हो, उसकी जान ले लेना इसमें कोई भारी नहीं, बल्कि अपने घर का ही व्यक्ति शामिल होता है। कहा जा सकता है कि महिलाओं पर ये होने वाले अत्याचार सच में घरेलू हिंसा का शिकार है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार किसी महिला के विरुद्ध या उसकी देखरेख में रहने वाले बच्चे से मारपीट करना, गाली देना, यौन उत्पीड़न करना, अश्लील साहित्य देखने के लिए मजबूर करना वगैरह घरेलू हिंसा में शामिल होता है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बना हुआ है, जहां असमानता और लैंगिक रूढ़ियों की वजह से उन्हें काफी ज्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। वर्ष 2007 में वैश्विक स्तर पर 80,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। मारी गई कुल महिलाओं में 50% की हत्या घरेलू हिंसा की वजह से हुई थी। घरेलू हिंसा को लेकर आई संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार उनका घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह है। समाज के हर तबके की औरतें इससे पीड़ित हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए #सहोमत का एक कैंपेन चलाया जा रहा है।